Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. Count rate था, that's doing well, day high पे flow करता हुआ. But Rajesh Palwe जी, इसमें कोई दराय नहीं है कि आज जितने sharpness bank Nifty में है, and I mean to hold that sharpness, उस sharpness को maintain करने के लिए जो required force थी, वो तमाम stock futures generate करते हुए. Look at Kotak Mahindra Bank above 50-day exponential moving average 1790. आपका view Kotak पर इस वक्त? तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, सेटअप तो निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों ही नियर टर्म सेटअप के हिसाब से पॉजिटिव हो चला है, और हमें लगता है कि अब बैंकिंग स्टॉक्स जो ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मर थे, अब यहाँ पे एक अच्छा आपको यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब 36,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होगा. कोटक बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इसमें आते हुए दिखना चाहिए. ये स्टॉक में देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं. स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है. बिल्कुल बाय करेंगे हम यहाँ पे 1765 के स्टॉप लॉस से. अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ये दिखाना चाहिए स्टॉक में, करीब 1815 से लेकर 1825 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है. ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कोटक बैंक का जो सेटअप बन रहा है, अब अगर ये स्टॉक में अब 1825 के ऊपर की क्लोजिंग अगर ये स्टॉक करता है, तो यहाँ से और भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है. शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिर 1850-1870 की भी अपसाइड हमें लगता है कि इसमें आते हुए दिख सकती है. वाकई कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा करता हुआ. और थोड़ा सा अगर आप देखें रेस्ट स्टॉक्स में जहाँ पे थोड़ा पेन है, उसमें चोला फाइनेंस शामिल है, मैरिको, एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स, लॉरस लैब, एफएमसीजी बास्केट, ये फार्मा बास्केट से अगर बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ. निफ्टी होल्ड कर रहा है अभी भी अगर आप देखें 17,300 के ऊपर, लेकिन 342 याद रखेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है. और फार्मा में नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग है. HDFC लाइफ एक स्टॉक थोड़ा सा क्लियर लगता हुआ 580-240 पे अच्छा मूव देता हुआ ये स्टॉक क्लियरली. डॉक्टर साहब एक बार एक काम कीजिएगा, ऑप्शन लेते हैं. किससे पूछें? राजेश पालवे जी बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं आज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, यस नो डाउट ऑप्शंस एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत होल्ड करते हैं, लेकिन बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखते हुए आज वो एक स्ट्राइक जिस पे आप काम करना चाहेंगे, अगर मैं आपका क्लाइंट होता तो जो सजेशन देते कि हाँ ये कॉल बाय करो, बताइए आज का सस्ता ऑप्शन. विरेन जी मैं स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया उसके ऑप्शन की चर्चा करूं या नहीं? नहीं उसी की करिए, मेरे की क्यों करेंगे, आप अपने स्टॉक की बताइए जी. तो मुझे यहाँ पे एस्कॉर्ट का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. देखिए एस्कॉर्ट्स में देखे तो काफी बड़ा करेक्शन के बाद जिस तरीके से बेस बिल्डिंग होते हुए दिख रहा है डेली सेटअप के हिसाब से, स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे 1640 का ही यहाँ पे कॉल ऑप्शन, एट द मनी का कॉल ऑप्शन अब इन द मनी हो गया, ये बाय करने की सलाह देंगे. जिस तरीके से एस्कॉर्ट्स के सेटअप है हमें लगता है ये सीरीज में ये स्टॉक में 1700 प्लस तक के अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है. तो 60 रुपए के आसपास ये ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बाइंग पोजीशन बनाने की हम सलाह देंगे. इसके टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 76 से लेके 85 तक की अपसाइड ये ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है. करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 52 रुपीज का. तो एस्कॉर्ट का 1640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन